घर आ गए हैं अभी, गांव आए हैं। वहाँ तबीयत नहीं सही था ना, इसीलिए चले आए हैं हम। तो आ गए हैं गांव पे काम से, ऐसे ही पूरा, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा तबीयत नहीं सही था ना, इसीलिए नहीं आए हैं, मतलब चले आए हैं। ये मिठाई उठाई लेकर के, और ये बैग भी है। पूरा ये कपड़ा वपड़ा ऐसे ही रख करके गए थे, और किचन भी ऐसे ही है, चल रहे हैं अभी खाना वगैरह बनाना है। नहाने के लिए तो नहा लिए हैं सुबह ही, और इतना जैसे लग रहा है कि जुकाम हो गया, इतना सुबह नहीं नहाते हैं। सारा चीज़ लेकर के आए हैं, कुछ मेरे बाबू को मार दी है चोट की बिटिया वह, यहाँ पे टन से लग गया है उसको चोट। चल रहे हैं गेहूँ धोने, स्पेशली आए हैं गेहूँ धोने, वहाँ का आटा ख़त्म हो गया है। और मेरा सच कहा जाना तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है यार, मेरा मन एकदम इसलिए नहीं करता है कि वहाँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जैसे वहाँ टेम्परेचर ऐसा क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे एकदम नहीं अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। चलते हैं, थोड़ा सा काम वाम करेंगे। चल रहे हैं काम करना है, मतलब कि गेहूँ धुलना है ना, तो गेहूँ धुलने के बाद बाहर रख दिया है मैंने, पानी चला करके धुलूंगी और थोड़ा फैन चालू कर देती हूँ। बाल जो है धुले हैं और सूखा नहीं है, बाल एकदम झड़ के खत्म हो गया है। रख दिए हैं गेहूँ, चल रहा है पानी चलाने, धुलना है, और चल धुलने के बाद जो है कि किचन में दिखा देते हैं, क्योंकि मतलब कि वहाँ पे खाना नहीं बनाया है मैंने ना बनारस, तो अभी बाल्टी का पानी मंगाएंगे। और ये सारा बर्तन है, ये चूल्हा है मेरा ही है ये मतलब कि यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो खाना वगैरह बनाती हूँ, लाइट चली गई और पानी कैसे आएगा, आएगा लाइट तब जो कि धुलूँगी। और तो यहाँ दाल चढ़ा दिया है मैंने, बाबू के पापा जा रहे हैं ड्यूटी, यानी कि बनारस जा रहे हैं, देख चले गए काम। रोटिया कितना जरा ढेरा आँचिया लगा दिले हो। जा रहे हैं, दाल इतना खराब हो गया है, इतना कुकर हम का बताएं कि एकदम पूरा फफा करके वो हो गया, माथा खराब हो गया, इतना खराब हो जाता है ना कि दिमाग एकदम खराब हो जाता है।
क्या बताएं, बताइए। हाँ चावल ये है, चावल लिया है, इसी को डाल देंगे। बन जाओ, पानी पीनू है। ओके नीचे में, वो मिल गया पानी, मिल गया मेरे बाबू का पानी, मिल गया। भूल गए थे, लो पकड़ो रिकॉर्ड करो। कैसे तुम्हारा कैमरे से तो तुम्हारा हाथ लग गया। लो पकड़ो, लो पकड़ो। बाबू को पापा चलेंगे ड्यूटी और हम दाल चावल बना रहे हैं, मैं अपने बाबू को खिलाऊंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको उतारना है जो है, और ये मेरा घर है, आपको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। गांव है ना, लोग कहते हैं, लेकिन हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता है, बनारस में यही अच्छा लगता है ना। थोड़ा सा सुबह सुबह का धूप मिल जाता है हमको, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी से सीटी दिया है, चल रहे हैं गेहूँ धुलने। तो गाइज हम अभी रोटी सब्जी जा रहे हैं खाने, अम्मा दी हैं, बनाई हैं चूल्हे पर, तो मैं खा लेती हूँ पहले। सब्जी अच्छा है, नहीं पता है, हमको नहीं पता ये कुर्सी लेकर के क्यों घूम रहे हैं। और टीटू हलुआ है। हेलो निकलो। लिए झाड़ू लगा दे तो देखो। ओहो मैं तो मिक्सी वगैरह क्यों इस तरीके से मिट्टी का है अभी बाद में। भी कर लिया है मैंने और गेहूँ भी धो दिया है, यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। और ये सूख जाएगा, दिखा कि नहीं आप लोगों को। एक एक ये है और एक ये है, यानी दो जो है कि किए हैं, धोए हैं। और एक चीज़ और कि अभी मेरा किस्त नहीं दे रहे हैं सब, लोन वगैरह। यहाँ आ गए हैं आराम करने थोड़ा बहुत। दीदी है नहीं, इनका घर खुला हुआ है, दीदी नहीं है क्योंकि गई है छठ पूजा में मार्केट, अरे छठ पूजा में, और ऐसे ही लेटे हैं, थक गए, काफी थक गए। अब मन कर रहा है सोने का, यहाँ जो सुकून हमको मिलता है ना। देखिए ये का लेकर के आया है मेरा बाबू, पटका इसको बोलते हैं, पटक पटक करके, मतलब पड़ाका इसको बोलते हैं। और कितने का मिला है और माम पैसा मांगी है, क्या बोली है, क्या बोली है बताइयो। दिया वो दिया 10 रुपए नहीं था, कितना था, एक। चलो जाने दो बाद में।
निकाल दो। और फूट जा रही पटक रहा है इतना, देखे देखो और भैया पटक के दिखाओ। अब उधर जा रहे हो, इसको लेते जाओ धूपवा में और पड़ा का बोलेगा मत जाओ। धूप आने लगा हाँ। मतलब जब नहीं तब मन करी तो चल रही कंपनी बंद कर दिले से तीनों सरवा बन गया ये से बंद कर से ना क्यों पैसा बढ़ावे खातिर के तिया का पान चना खाते बैठे हैं यहीं पे। गेहूँ मेरा सूख रहा है, डब्बा भी लाए हैं। बाल एकदम झड़ गया है और वो सब खाना